हम खड़े हैं आपके रेवा घाट। रेवा घाट के देखिए सामने बाएं तरफ ये पुल है, जिस पुल से गाड़ी निकलती है, गाड़ी हमारी खड़ी है रेवा घाट पुल पर। हमने देखने का प्रयास किया कि नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल बिल्ड, प्राकृतिक चीज़ें जो जहाँ से ये ककड़ी हुआ, लोका हुआ, प्लस लालिमा लाल लाल तरबूज जिसको बोलते हैं, आज हम आज पहुँचेंगे दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए बीच में सोती नदी है, अब बगल में से देखिए कितना किसान मेहनत करता है। हमारे बताने का लक्ष्य ये है कि ये वीडियो से एक सबक लेना होगा, किसान कितना करता मेहनत ये धूप में, लू में। आप सभी लोग अभी एसी में पड़े होंगे, मुँह में ठंडा लगता हो कि लू ना मर दे, या इन लोग को लू नहीं पड़ता है, सोने लगता है इन लोग को, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल की ये चीज़ें हैं, मेहनत है। इसी मेहनत को आप तरबूजा खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं। ये जो साइड में खेतों में बालू बीच में कोई खाद की कोई आवश्यकता नहीं है, खाद की आवश्यकता नहीं ना है, नेचुरल चीज़ है। केवल ये जैसे लोग बता रहे हैं कि जो भी है हल्का खाद रुक जाते हैं, पानी सूखता है, प्राकृतिक नेचर तरीका से यहाँ पर इसमें परवल भी यही होता है। परवल होता है आपको, दूसरा आपको ये ककड़ी होता है, तीसरा लौकी आप मिलेगा लौका, और चौथा आपको मिलेगा खीरा, खीरी जो इसको बोलते हैं खीरा, और मिलेगा आपको तरबूजा। हमने आपको दिखाने का प्रयास किया छोटा सा क्लिप, यही है मुजफ्फरपुर और सारण जिले का रेवा घाट के नीचे का सीन। बहुत बहुत आपको आप कम से कम वीडियो से सबक लें कि कैसे किसान का जीवन बीता, ये बताने का हमारा मतलब। तभी मिलेंगे जैसे।